हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायके में तड़का। मैं हूं अनुभा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं चने दाल से बनने वाले फरे की रेसिपी। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे बहुत पुराने टाइम से लोग बनाते हैं। मेरे घर पे ये अक्सर बनकर तैयार होती है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। बनाने में कम टाइम लगता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। जिसको आप बनाकर खिलाएंगे उसको बहुत पसंद आएगी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चने दाल की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चना दाल फरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है आधा कप चना दाल, जिसको मैंने अच्छे से पानी में भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए और इसे फुला लिया है। तो फूल के कुछ ये इस तरीके से हो गई है। अब हमें इसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो स्टफिंग तैयार करने के लिए हम इसको इसका एक मसाला बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर लिया है मिक्सर का छोटा वाला जार। अब हम इसमें जो हमारी फूली हुई चना दाल है वो डाल देंगे। इसमें क्वांटिटी आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। जितने लोगों के लिए आपको बनाना हो आप उतने लोगों के लिए थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं चने दाल को। हम इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून साबुत जीरा, 1/4 चम्मच काला नमक, 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया। खड़ा धनिया नहीं है तो आप पिसा हुआ धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो जरूर डालें। 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने छीलकर कट कर लिया है, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये लगभग 1/2 टेबल स्पून है। इसको कलर देने के लिए, तीखेपन के लिए अभी मैंने इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। और इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक। अब ये जो मिक्सचर है इसको हम पीस कर तैयार कर लेंगे। तो इसको हमें एकदम फाइन पेस्ट तैयार नहीं करना, हल्का सा दरदरा पीसना है। दाल को हमने पीस लिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि दाल को हमने पीस कर तैयार किया है, लेकिन हमने एकदम इसे बिल्कुल पेस्ट तैयार नहीं किया है। हल्का सा दरदरापन है दाल में। तो कोशिश ये करें कि जब भी दाल पीसें तो इसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, जिससे कि ये बिल्कुल गीली ना हो। तो इस टाइप से हमें दाल पीस कर तैयार कर लेनी है। इसमें देखिए बड़े बड़े से थोड़े दाने भी हैं। इसे एक बोल में निकाल लेंगे और आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एक पैन में पानी गर्म होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर लगभग मैंने 3 ग्लास पानी का इस्तेमाल किया है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और पानी को बंद कर देना है एक ढक्कन की हेल्प से, और इसे उबलने देना है। अब हम दूसरी प्रोसेस की तरफ जाएंगे और फरा बनाने की तैयारी करेंगे। अब हमें फरा बनाने के लिए आटा गूंथना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लिया है, और यहाँ पर लिया है मैंने 1 बोल गेहूं का आटा। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस आटे को गूंथेंगे। तो इसका हमें पूड़ी या पराठे जैसा एक डो तैयार करना है। बहुत ज्यादा गीला नहीं करना और बहुत ज्यादा कड़ा भी इसे नहीं बनाकर तैयार करना। तो यहाँ पर हमने आटा गूंथकर तैयार किया है। तो जो डो है उसकी हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी है, हमने बहुत ज्यादा सख्त आटा या बहुत ज्यादा गीला आटा नहीं गूंथा है। इसे एकदम हमने पूड़ी या पराठे के आटे जैसा गूंथकर तैयार कर लिया है। अब हम आटे को रख देंगे और फरा बनाना शुरू करेंगे। फरा बनाने के लिए हम अपने डो के सेम साइज के पेड़े कट कर लेंगे। आप बड़े फरा बनाना चाहते हैं तो आप बड़े बना सकते हैं, आप थोड़ा साइज छोटा रखना चाहते हैं तो आप छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इतने साइज के फरे बनाकर तैयार करूंगी। तो इसी तरीके से मैं सारे पेड़े कट कर लूंगी। एक पेड़े को लेंगे और इसे हथेलियों के बीच में रखकर गोल करेंगे। इसके साथ ही हम अपना जो पटा है या रोलिंग बोर्ड है इस पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल जरा सा, लगभग 1 बूंद हमें ऑयल का इस्तेमाल करना है। और इसे इस तरीके से रख देंगे और इसे बेलेंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बेलना है, हमें लगभग पूड़ी के जितना इसे बेलना है। और थिकनेस हमें थोड़ा सा रखनी है, पतला नहीं बेलेंगे चपाती जैसा, थोड़ा सा हम इसे मोटा ही रखेंगे। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसे एकदम बहुत ज्यादा पतला नहीं करा, थोड़ा सा मोटा रखा है हल्का सा। इसके साथ ही अब हम इसमें अपनी स्टफिंग भरेंगे। एक चम्मच की हेल्प से हम थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे, इसके बीच में रखेंगे। देखिए हमने स्टफिंग को बहुत ज्यादा गीला नहीं करा था, नहीं तो ये भरने में दिक्कत होती, इजीली नहीं भरती। बीच में सेंटर में रखेंगे और इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे। जिस तरीके से हम गुजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल हमें उसी तरीके से इसे बनाकर तैयार करना है। तो हम सारा जो हमारा फरा है उसको हम पूरा नहीं दबाएंगे, एक साइड से हम थोड़ा सा इतना सा इसे खुला रखेंगे, जिससे कि दाल हमारी अच्छे से अंदर तक
पक जाए फिर से थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम बाकी के फरे बनाकर भी तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सारे फरे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो पानी रखा था गर्म करने के लिए, ये अच्छे से उबल रहा है। इसमें देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये उबल चुका है। अब इसी उबलते पानी में हम अपने फरे डाल देंगे। इस प्रोसेस में आप फरे को स्टीम ही कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें फरे को स्टीम नहीं करते हैं, पानी में ही उबालते हैं। तो एक साथ में सारे फरे डाल रही हूँ क्योंकि कढ़ाई बड़ी है और पानी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप सारे फरे एक साथ ना डालें। इसके साथ ही गैस हम फुल फ्लेम पर कर देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे और इन्हें उबलने देंगे। लगभग 15 मिनट हो चुका है फरों को उबलते हुए। अब हम ढक्कन निकालेंगे और फरे चेक करेंगे। यहाँ पर मैं एक फरा उठा के देखती हूँ और इसे बीच से थोड़ा सा कट करके देखेंगे। अगर ये इजीली कट जाएगा मतलब ये पक चुका है। आप ये देख सकते हैं कि ये अंदर से भी पक चुका है, इसमें कच्चापन दूर हो गया है। अब हम एक एक करके सारे फरे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम गैस को बंद कर देंगे और एक चम्मच की हेल्प से, स्पैचुला की हेल्प से आप फरों को एक एक करके निकाल लीजिए। तो इसके लिए आप इसे कढ़ाई के साइड में थोड़ा सा होल्ड करिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो वापस कढ़ाई में चला जाए। मैं यहाँ पर एक छन्नी में सारे फरे निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, जिससे कि इनका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे, इस टाइप से मैंने एक बर्तन रख दिया है, उसमें निकल जाए। कि फरे हमारे एकदम ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें कट करेंगे। तो मैं एक नाइफ की हेल्प से इसके 3 टुकड़े कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसके 3 टुकड़े कर दिए हैं। आप ये देख सकते हैं कि दाल हमारी बिल्कुल अंदर से कच्ची नहीं है, ना बाहर से हमारा फरा बिल्कुल कच्चा है। अच्छे से ये पक चुका है, स्टीम्ड हो चुका है। अब इसी तरीके से हम बाकी के सारे फरे भी कट कर लेंगे और फिर इन्हें तड़का लगाएंगे। आप चाहे तो इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं, लेकिन हम इन्हें आज तड़का लगाकर तैयार करेंगे। अरे हमने सारे कट कर लिए, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 से 1.5 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई के दाने। तो यहाँ पर मैंने छोटी वाली राई का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से करी पत्ते। तो करी पत्ते मैंने यहाँ पर सूखे लिए हैं, आप फ्रेश करी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राई जैसे ही चटकने लगेगी हम इसमें डालेंगे फरे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। फरों को हम इस तरीके से कढ़ाई में फैला देंगे और थोड़ी देर इन्हें सिकने देंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे सेकना है। फरे हमारे थोड़ा ऊपर नीचे अच्छे से सेक गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो ये लगभग 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। इसको अच्छा सा कलर देने के लिए, बस कलरफुल बनाने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप ये देखिए कितना बढ़िया से इसमें कलर आ गया है। अब इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस को कर देंगे बंद। लीजिए फ्रेंड्स हमारे चने दाल फरे बनकर तैयार हैं। इन्हें मैंने ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। बनाने में बहुत ही कम टाइम लगा है, 0 ऑयल रेसिपी है, बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल हमने इसमें किया है। आप इन्हें ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।